नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो पांच की आंच। आज बात नीट की करेंगे और उस पर सुप्रीम फैसले की। दरअसल नीट परीक्षा और रिजल्ट के बाद लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जो याचिकाएं हैं वो लगी हुई हैं। इसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर भी छात्रों का विरोध था। इसी ग्रेस मार्क्स के कारण पहली बार 67 छात्रों को पहली रैंक मिल गई। इस पूरे मामले को लेकर परीक्षा एजेंसी NTA सवालों के घेरे में है। मामले को लेकर कोचिंग संचालकों और छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। नीट पर आया सुप्रीम फैसला। जस्टिस तो हुआ है, बट इसको कंप्लीट जस्टिस नहीं बोलेंगे। इसमें ऐसा बोला गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उन बच्चों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल होंगे और उन बच्चों के लिए रीनीट का एग्जाम फिर से होगा। 1563 छात्रों का नीट रिजल्ट कैंसिल। उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिट्रेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए अपील की। पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन। ग्रेस मार्क्स को किया रद्द, अब फिर होगी परीक्षा। ये बोला है कि ये जो भी एग्जाम ग्रेस मार्क्स जिसको अवार्ड हुए हैं उन सबका री एग्जामिनेशन होगा। हम उनका सबका री एग्जामिनेशन करेंगे 23 जून को और 30 जून को हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर। नीट पेपर लीक, सच या फेक? बिहार में पटना पुलिस ने भी ये FIR भी रजिस्टर की है, वहाँ पे पेपर भी मैच हुए हैं। FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था। क्या 18 साल के बच्चे को अब ये भी सीखना होगा कि पेपर लिखने के तुरंत बाद मुझे घर नहीं जाना है, मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना है सारे इश्यूज बताने के। वो तो एक्सपेक्ट करता है नेशनल टेस्ट एजेंसी से कि वो न्याय करेंगे, हमेशा सही डिसीजन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र कोचिंग संचालक खुश हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी की पूरी परीक्षा दोबारा होना चाहिए। इसी के साथ पेपर लीक की बात भी छात्रों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इससे इनकार कर रहे हैं। नीट की परीक्षा और रिजल्ट को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने नीट में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रीट्रेस करते हैं। कि मुझे तीन मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज, NTA ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रीट्रेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए अपील की। तीसरी बात, पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीजें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में NTA ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। हालांकि इसको लेकर छात्रों ने मांग की है कि पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। NTA को भंग किया जाए, रीनीट अगर हो रही है तो सभी छात्रों को फिर से मौका दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए आगे इस तरह की चीजें नहीं होगी। प्लीज छात्रों को ये तारीख पे तारीख के खेल में ना उलझाया जाए। उधर दावा किया जा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर कई जगह FIR भी दर्ज की गई थी। सब जगह से सामने आ रहा है, मतलब बिहार में पटना पुलिस ने भी ये FIR भी रजिस्टर की है, वहाँ पे पेपर भी मैच हुए हैं। FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था। तो फिर NTA इस पे भी कोई क्वेश्चन मार्क, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है NTA के लिए। पेपर लीक की बात को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नकार दिया है। उनका कहना है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई थी। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट NTA कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं।
पेपर लीक का मामला आया है सर? कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर? पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की? अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? जिन 1563 के ग्रेस मार्क्स पर पूरा विवाद शुरू हुआ था, अब उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, इसकी जगह उनकी दोबारा परीक्षा होगी। अब नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भोपाल में छात्र संतुष्ट दिखे। छात्रों का कहना है कि ग्रेस मार्क्स की समस्या तो हल हो गई, लेकिन ओएमआर शीट और रिजल्ट में मिले नंबर में अंतर है, इसका क्या होगा? इस पर भी एनटीए को जवाब देना चाहिए। आप लोग, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 1563 बच्चों का ग्रेस वापस लिया जाएगा, उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा, कैसे देखते हैं आप? हम लोगों को तो ये फैसला अभी पता चला है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट इससे ग्रेस मार्क की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो हम एक प्रॉब्लम और देख रहे थे, जैसे कई बच्चे थे जिनकी ओएमआर के मार्क्स कुछ और आ रहे हैं और रिजल्ट में कुछ और मार्क्स आ रहे हैं, उनका क्या? जस्टिस तो हुआ है, बट इसको कम्प्लीट जस्टिस नहीं बोलेंगे। इसमें ऐसा बोला गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, उन बच्चों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल होंगे और उन बच्चों के लिए रीनीट का एग्जाम फिर से होगा। नीट के जो संचालक हैं, जो कोचिंग कराते हैं, वो लोग, उनका भी कहना है कि न्याय तो हुआ है, लेकिन न्याय अभी पूरा नहीं, अधूरा है, और उसमें आगे भी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि जो रैंक है और जो एग्जाम ओएमआर सीट को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही है वो स्पष्ट हो सके। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलेंसी न्यूज 18 भोपाल। इधर नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि अब तक एनटीए के द्वारा हमने ग्रेस मार्क की बात सुनी, लेकिन स्कैम पर सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसे लेकर सवाल उठा चुकी है, और जैसे कि कई सारी शिकायतें की गई हैं, ये बात सही है कि ग्रेस मार्क्स जो वाली जो बात है, ग्रेस मार्क्स की समस्या को लेकर भले ही अदालत ने कह दिया हो कि 1563 के करीब जो जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए उन्हें फिर से एग्जाम देना होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई और पेंच हैं, इसे लेकर भी शिकायतें पहुंची हैं। रोहित जैन वकील, आप सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जैन साहब, बहुत स्वागत। और अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स की समस्या सॉल्व हो गई है, पर छात्रों की तरफ से तकरीबन 2000 के करीब पूरे देश में शिकायतें हैं, कई मामले अदालत भी पहुंचे हैं, इसका क्या? जैन साहब, मुझे बुलाने के लिए, मैं सिंगानियन कंपनी में हूं और हमने अलक पांडे जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, और शुरू से ही हमारा मुद्दा जो मेन था वो था नॉन ट्रांसपेरेंसी का, एनटीए की क्रेडिबिलिटी का, और ये सवाल अभी भी कायम है। तो एक चीज सफलता मिली है एनटीए को, जो ग्रेस मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे उस पर क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क्स हटा के अब उसमें एक ऑप्शन दिया है बच्चों को, लेकिन इसके अलावा अभी भी क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ 1563 बच्चों के साथ ये किया गया है, जो बाकी बच्चे हैं जिनको टाइम लॉस की इशू हुआ और जो कोर्ट नहीं गए, उनका क्या? क्या हम ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि बच्चे हर एग्जाम के बाद कोर्ट में जाएं अपनी हर इश्यूज को लेके? तो एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें लीगली कहीं प्रावधान ही नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का, तो बिना किसी प्रावधान के ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए और क्या दिए जा सकते हैं कानूनी तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 5 सालों से एनटीए करा रहा है नीट, और हर साल टाइम लॉस का इशू आपको मीडिया में रिपोर्ट होता है, पर कहीं भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। इस बार एडहॉक बेसिस पे ये कहां से ग्रेस मार्क्स आ गए, और जिसका ध्यान दीजिएगा, शुरू में बताया भी नहीं गया ग्रेस मार्क्स है,
वो तो जब ये पॉइंट आउट हुआ कि 719 हो ही नहीं सकते, तब जाके ये बात उठी। अब आप देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन 24 लाख बच्चों का एग्जाम करा रही है और इस तरीके से कंडक्ट दिखे, तो वो कुछ भी बोले उसकी बात की ठीक क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जब तक एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, हाँ बड़ा मुश्किल है इस पे क्रेडिबिलिटी या कुछ भरोसा कर जैन पाना। साहब, एक बात कि हालांकि बार बार अदालत जो कह रही है कि नहीं, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, प्रोसेस जो है वो लगातार जारी रहेगी, तो अदालत को भी तो कुछ लग रहा होगा। और एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जैसे बात कही जा रही है कि रीनीट, ये बात सही है, दरअसल इतने सारे संयोग मिल रहे हैं ना गड़बड़ियों के, ये पहली बार हो रहा है एनटीए को लेकर। करेक्ट मैं आपसे ये करेक्ट जानना चाह रहा हूं कि जैसे रीनीट की बात की जाए, तो वो सारी प्रोसेस फिर से कराना, वही सारा खर्च, या क्यों वजह है कि आप लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं? जी तो ललित भाई, टू क्लैरिफाई, हम रीनीट का नहीं कह रहे हैं अभी ओके इस समय, ठीक क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक बार पता चले कि पूरा माजरा क्या है। हाँ पहली बार अगर मान लीजिए सिर्फ 1563 तक ही लिमिटेड है, तो 24 लाख का पूरा रीनीट कराना, खर्चा, सब चीज क्यों की जाए? जी मतलब ना उसका कोई फायदा होगा, ना उसका कोई पॉसिबिलिटी है। तो ठीक इसीलिए हम रीनीट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले ये तो क्रेडिबल हो कि सिर्फ 1563 को ग्रेस मार्क्स दिए और किसी को नहीं दिए, पहली बार। दूसरी चीज, जो एफआईआर में लीक की हुई कंप्लेंट, फिर उसके बाद कट ऑफ इतना हाई हो गया है, तो जब जब एकेडमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्वालिटी ऑफ पेपर सेम था, तो कट ऑफ इतना कैसे बढ़ गया? जी इसकी जांच तो हो, पता चले। क्योंकि देखिए, हम लोग कुछ भी कहें, पर अल्टीमेटली जो बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करके आए सही हैं, है उनको जब तक वो मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उनका भरोसा ही उठ जाएगा पूरे प्रोसेस से। सवाल तो एनटीए पर भी भरोसे का है, वो भी, और इतनी मासूम सफाई देता है एनटीए, हा, मतलब दो चार शेर तो आप फिदा कर दें, इतनी मासूम सफाई देता है। रोहित जी प्लीज बने रहिएगा, वासु हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, कुछ बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं आपके साथ, ग्रेस मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनसे पूछेगा सवाल जवाब, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या एनटीए पर उन्हें भरोसा है, ये सवाल भी जरूर पूछा जाए। वासु बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने लगातार ललित जी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और उनके मन की जो भावना है और जो इस पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उससे वो नाराज़ भी हैं, और उनकी नाराज़गी भी जो है वो साफ तौर पर निकल कर आई, चाहे पूरी परीक्षा की प्रक्रिया की ही क्यों ना बातचीत की जाए। और एनटीए का जो पूरा रवैया रहा है उससे भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो नाखुशी है, नाराज़गी है, वो जाहिर की है, क्योंकि अपनी तमाम उम्मीदों के साथ, दिन रात की मेहनत के साथ, कड़े परिश्रम के साथ, और जब बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा होता, एक एस्पिरेंट नहीं पढ़ रहा होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार पूरे समय जो है लगा रहता है, और उन सब की मेहनत पर जब इस तरीके से यूं कहें कि पानी फिर जाता है, या टेस्टिंग एजेंसी की कुछ खामियों की वजह से, गलतियों की वजह से उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी जो स्थिति है वो बन जाती है। उम्मीद कोर्ट से कहीं ना कहीं उन्हें हो, और अब जो व्यवस्था दी गई है उसको लेकर भी अलग अलग स्टूडेंट्स के जो अलग अलग विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन तमाम टेस्टिंग एजेंसीज हों, इनको इस बात की बहुत बासु जैन साहब, रोहित जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, बड़ा एक मार्के की बात उन्होंने कही बच्चों के हवाले से कि अगर हर इम्तिहान के बाद अदालत ही जाना है तो फिर अदालत ही कंडक्ट करवा ले इम्तिहान, फिर एनटीए या ऐसी संस्थाएं कर क्या रही हैं। सवाल यह है, अगर संस्था पर ही भरोसा नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? कोई एक एग्जाम तो है नहीं, सिलसिले हैं। वासु निश्चित तौर पर देखिए, अलग अलग एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें से कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका हल जो है वो बिना अदालतों में जाए नहीं निकल रहा है। हर एग्ज़ाम में जो है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आती है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे फिर वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो। यूपीएससी जैसी संस्था से कहीं ना कहीं अब सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक एग्ज़ाम बचा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो अब तक सामने नहीं आई है। हालाँकि समय समय पर जो अलग अलग आपत्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आती रहती हैं। तो जो एजेंसीज हैं जिनके पास तमाम तरीके
कि उनको जो सोर्सेस है वो मुहैया कराए जाते हैं, उनको जो पूरा का पूरा जो वर्क मैनेजमेंट है, वर्क फ्लो है, वो मुहैया कराया जाता है इन एग्जाम को लेके तैयारी करने का, चाहे कंडक्ट कराने की बात हो या फिर अन्य सुविधाएं देने की बात हो, नियमों की बात हो, ये सारी चीजें बहुत पहले से तय होती हैं, तो उसके बाद रिजल्ट के टाइम या पेपर कराने के टाइम इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो अपने आप में बना हुआ है। ठीक 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 वासु, आप बने रहेगा हमारे साथ, रोहित जैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सो जैन साहब, अब क्या आप आगे का जो कानूनी घटनाक्रम है या कानूनी प्रक्रिया है आपकी तरफ से, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैन साहब, तो आज जैसे हम कोर्ट में थे तो उसमें एनटीए ने सबमिट किया कि हम ऐसा ये सर्कुलर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई पावर्ड कमिटी ने 3 दिन से मीटिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और कल ये नतीजा हुआ है कि हम ऑप्शन देंगे ग्रेस मार्क्स जिनको दिए गए थे टू आइदर एक्सेप्ट द मार्क्स विदाउट ग्रेस और विदाउट द ग्रेस मार्क्स और टू टेक रीनीट, और 23 तारीख को एग्जाम कराएंगे, 30 तारीख को हम उसका रिजल्ट दे देंगे ताकि जो प्रपोज्ड काउंसलिंग है उसमें डिले ना हो। ये उन्होंने कोर्ट में सबमिशन दिया। अब देखिए, लीगली मैं आपको अगर बताऊं तो 2-3 इशू आज भी खड़े हैं जो मुझे लग रहा है कोई ना कोई जरूर इसमें कोर्ट में टेकअप करेगा। पहला इशू तो यही है कि जो अभी ये बेनिफिट मिल रहा है डबल शॉट का, वो मिल रहा है 1563 बच्चों को। अब ठीक 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 जैन साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बारीक चीजों पर चर्चा करने के लिए, और इन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, जितना अपना एनटीए एक्सपर्ट नहीं है उससे ज्यादा एक्सपर्ट, जांच एजेंसी एक्सपर्ट नहीं है उससे ज्यादा साइबर ठग एक्सपर्ट हो गए। अब उनका नया प्लान क्या है? नीट परीक्षा की आड़ में छात्रों को ऑफर दिया जा रहा है, साइबर ठग ऑफर दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, 2 लाख से 4 लाख रुपए आप हमको दे दो और हम आपको अपने फेवरेट कॉलेज में, पसंद के कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। इसे लेकर पुलिस को कई शिकायतें मिली हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन ने छात्रों से अपील की किसी तरह के बहकावे में ना आए। नीट छात्रों को एडमिशन का लालच दिया जा रहा है, हालांकि इस तरह के नेक्सस चलते हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस बात को लेकर अगर सरकारी एजेंसी से पूछा जाएगा, जांच एजेंसियों से पूछा जाएगा या जिम्मेदार महकमे के जो मंत्री उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे नहीं ऐसा तो है ही नहीं। व्यापम से उठे जवाब तक नहीं है अभी किसी के पास, और अब नीट एनटीए सवालों के घेरे में है, और अब बात करेंगे पानी की। टीकमगढ़ को उत्तर प्रदेश से पानी मिलेगा, योगी सरकार ने पानी देने का फैसला किया है। ललितपुर के जमरार बांध से पानी की सप्लाई होगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आग्रह किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखा था, और अब तय ये हुआ है कि ललितपुर के जमरार बांध से टीकमगढ़ को पानी की सप्लाई होगी, टीकमगढ़ को उत्तर प्रदेश से पानी मिलेगा। ललितपुर के जमरार बांध से पानी की सप्लाई होगी, टीकमगढ़ में पानी की कमी ना पड़े, जल संकट जैसी स्थितियां ना हो तो ललितपुर के जमरार बांध से पानी की सप्लाई होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, और अब उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश से टीकमगढ़ को पानी मिलेगा। हम ब्रेक ले रहे हैं।